कोविड-19 के कल हमें एक रिजल्ट मिला है जो कि कारगिल क्षेत्र का है, कारगिल में संजक है, चिकतन एरिया में, वो पॉजिटिव निकला है। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिला, इमीडिएटली हमारे बीएमओ और जो एसडीएम है उस एरिया के, वो वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो पेशेंट है, उनके सिम्टम्स थे तो उनको हॉस्पिटल में ऑलरेडी हम लोगों ने क्वारंटाइन कर रखा था। इस बीच सूचना ये भी मिली थी कि हॉस्पिटल में आने से पहले जो पेशेंट है वो ले ज़िले के अचिनाथंग क्षेत्र में भी आए थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने कल रात को ही टीम भेजा है। आज सीएमओ ले वहीं पर है और सीएमओ कारगिल जो है संजक एरिया में है। अगर ज़रूरत पड़े तो उस एरिया को, दोनों एरिया को हम लोग कंटेनमेंट पॉलिसी के अंदर लाएंगे। सर, ये क्या ईरान से आया हुआ है पिलग्रिम्स? ये ईरान से आए पिलग्रम्स नहीं हैं, ये तीर्थयात्री नहीं हैं, बट इनका ईरान से आए तीर्थयात्रियों के साथ कांटेक्ट का हमको सूचना मिली है, तो उसका अभी कांटेक्ट ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं। कल तक हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाएंगे। जो अभी न्यू पॉजिटिव केस जो कारगिल से आया है, तो रिलेटिव से जो पहले पॉजिटिव केसेस थे वो, या नहीं, पूर्व में पॉजिटिव केसेस किसी के रिलेटिव नहीं थे ये, बट उनका कांटेक्ट हिस्ट्री बताया जा रहा है ईरान के कुछ लोग जो कि खुद नेगेटिव है, तो अभी हम लोग उनका भी सैंपल्स भेज रहे हैं, तो आज लगभग 30-40 लोगों का सैंपल आज जाएगा दिल्ली। सर कल ये रिजल्ट आया सर, इसका मतलब कल क्या? हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं, क्योंकि ये फ्रेश केस था उसलिए आप लोगों के सामने रख रहे हैं। पूर्व में जो हमारे ओरिजिनल दो पेशेंट थे उनमें से एक का आपको जानकारी है कि नेगेटिव एक रिजल्ट आ चुका है, बट ये जो दूसरा पेशेंट थे हमारे पूर्व के, उनका ये चौथी बार पॉजिटिव आया है।